और बेरमुख जरंगडी खेतको के बीच स्थित दामोदर नदी बाबू क्वार्टर घाट में प्रतिबंधित पशुओं का कई टुकड़ा मांस मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। घटना की सूचना मिलने पर तत्परता दिखाते हुए बुकारो थर्मल थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ में पेटरवार थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भगत सिंह चौक के समीप काफी संख्या में ग्रामीण गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या में शामिल आरोपियों को जेल दो जैसे नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया है और स्थानीय प्रशासन आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। क्या मामला है? मामला ये है कि जो गौ हत्या का मैंने गौ मांस का प्रतिबंध लगा हुआ पूरे भारत में, लेकिन दामोदर नदी में देखने को मिलेगा, जाकर देख सकते हैं अभी आप लोग, गौ हत्या करके उसके मांस को फेंक दिया गया, पूरा पीस कर करके फेंक दिया गया, पीस करके फेंका गया। 300 से 400 महिला डेली नहाती है सुबह शाम, पानी वही सप्लाई पूरा जरंगडी कठहरा वही पानी को पी रहा, पंचायत में पानी सप्लाई हो रहा है जरंगडी से, वही पानी को पूरा जरंगडी कठहरा पी रहा पूरा बेरमो। हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो हत्या, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मामला यही है कि दामोदर नदी में गौ हत्या करके उसके मांस को फेंक दिया गया। जला दो। क्या आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि गौ हत्या तो सारा देश में जब बंद है